keras. తెలంగాణ देख के तुझे दिवंगत भी थोड़ा पीछे हटो थोड़ा थोड़ा क्यों कोबी एक इसमें से नमस्कार, मैं दीपांकर पाल, तेलंगाना बेंगोली समिति प्रेसिडेंट हूँ। कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन चल रहा वो आगे भी बहुत ज़्यादा दिन चल सकते, इसलिए हम लोग एक चार पाँच दिन पहले बेंगोली समाज के जितने सारे ज्वेलरी वर्कर है, जो लोगों को रेगुलर रोजी रोटी काम करे तो मिलता, वो लोगों के लिए मैं कुछ मीडिया के सामने बोले थे कि सर हम आपका परिवार है, हम आपके साथ है और आप हमारा देखने वाले हमारे जन नेता है, हमारे सीएम साहब महात्मा तेलंगाना का महात्मा सीएम केसीआर साहब को तो हम लोग बोले थे। तो उसके बाद हमारे तेलंगाना का महात्मा तेलंगाना का गॉडफादर सीएम केसीआर साहब एक 4 लाख लोगों के लिए एक पैकेज प्रोवाइड करे, जो तेलंगाना में बाहर स्टेट से आके तेलंगाना में रह रहे, तेलंगाना का विकास के लिए और अपने रोजी रोटी के लिए जो काम कर रहे, उस लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सीएम साहब बोले। हम लोगों को बहुत खुश हुआ, इसलिए हम लोग आज हमारे गॉडफादर सीएम केसीआर साहब को वो बहुत हमारे समाज के तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और हम आगे जाके भी हमारे सीएम साहब के साथ रहेंगे और हमारे सीएम साहब जैसा काम करें हमारे लिए ये दूसरे स्टेट को भी सीखना पड़ता। हम लोग परसों देखे एक स्टेट से बहुत सारे कारीगर लोग लेबर लोग वो स्टेट छोड़ के अभी कोरोना वायरस के टाइम पे पैदल जा रहे, लेकिन हमारे सीएम साहब को नज़र में आते ही हमारे सीएम साहब बहुत जल्द से जल्द डिक्लेयर करे अपने पास जितना पैसा ही नहीं है वो नहीं देखने का, जितना भी हज़ार करोड़ों बजट लगे हम लोग देंगे, लेकिन आप लेबर लोग जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे काम कर रहे, आप लेबर लोग जो दूसरे स्टेट से आके हमारे विकास के लिए काम कर रहे, आप लोग किधर भी नहीं जाना, आप लोग घबराना नहीं, आपका बीवी बच्चे परिवार लेके इधर ही रहना, आप हमारा परिवार है, आप हमारा भाई है, आप हमारा बेटा है। और एक बात जो बोले बंधु, जो वार्ड है हमारे बेंगली वार्ड, ये बंधु वार्ड वर्ल्ड फेमस बंधु वार्ड है, ये बंधु मतलब पूरे सबजन अपना एकदम दिल से जो अपना बोलते उसका बंधु बोलते, जो दोस्त बोलते वो बेंगोली में बंधु बोलते। ये जो वार्ड साहब हमारे सीएम साहब यूज़ करे उनको स्पीच में, तो हमारे बेंगोली समाज के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमारे समाज के तरफ से हम चाहते थे, अभी भी चाह रहा हूँ, हम 20,000 पूरा यहाँ पे घासीवाया से 20,000 एक साथ हमारे बेंगोली समाज के पब्लिक जनता जाके मिलूंगा बोल के सोचा था, लेकिन अभी कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहे हम हमारे सीएम साहब के साथ है, इसलिए हम लोग घर से नहीं निकल रहे। आज हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे बोल के सोचा था, बहुत खुशी में हूँ हम लोग, क्योंकि 2-4 दिन से हम लोगों को जो अपना बच्चे को दूध नहीं था, घर में खाना नहीं था, हमारे सीएम साहब जो डिक्लेयर करे सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने क्या बोलो सर, इतना खुशी आ रही हम लोगों को आज, इससे पहले का कौन सा भी सीएम, हम लोग यहाँ पे 23 साल से हूँ सर, लेकिन इससे पहले कौन सा भी सीएम हमारे लिए नहीं सोचा, आप जो सोचे सर हमारे सोसाइटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, साथ साथ हमारे आशीष साहब को भी हमारे समाज की तरफ से थैंक यू बोलता हूँ सर, हमारे लोकल MLA साहब को भी थैंक यू बोलता हूँ और हमारे CP साहब आज हम लोग देखे
सीपी साहब भी बोले जो भी लेबर लोगों को तकलीफ है, पूरे लेबर लोगों को आपका कुछ भी तकलीफ है तो पीएस में आके बोलिए, लोकल पीएस में आके लोकल एसआई लोगों को बोलिए, हम लोग हेल्प करेंगे। तो हम लोग आज बहुत खुशी में हूँ सर, हमारे जितने सारे ज्वेलरी वर्कर है हम पूरे गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट हर स्टेट को मिलना चाहिए, ऐसा सीएम हर स्टेट को मिलना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पूरे लेवल लोगों को भी एक इज्जत मिले। धन्यवाद।